अंतिम संस्कार यानी किसी भी शख्स का आखिरी सफर। आपको बता दें कि राजधानी के मेडिकल कॉलेज में हर दिन कई अज्ञात शव पोस्टमार्टम के लिए आते हैं। इन शवों का कफन दफन कौन करता है, ये कम ही लोग जान पाते हैं। आपको बता दें कि बीते 9 सालों से मोक्ष श्रद्धांजलि संस्था अज्ञात शवों का कफन दफन करती आ रही है। अज्ञात शवों का कफन दफन करने वाली ये संस्था पिछले 9 सालों से अब तक 2600 शवों का अंतिम संस्कार कर चुकी है। हैरानी की बात ये है कि छत्तीसगढ़ के हर जिले में मिलने वाले अज्ञात शवों का कफन दफन करने वाली इस संस्था को सरकार से कोई मदद नहीं मिलती। अंतिम संस्कार के लिए गड्ढा खोदने वाले मजदूरों के खर्च समेत पूरी प्रक्रिया में लगने वाले खर्च को मोक्ष संस्था के संचालक जमीर अली ही उठाते हैं। जमीर अली बताते हैं कि उनके द्वारा बीते दिनों 5 अज्ञात शवों को गड्ढे से बाहर निकाला गया और उनके परिजनों को सौंपा गया। हमारी मोक्ष श्रद्धांजलि सेवा संस्थान, जिसका मैं खुद अध्यक्ष हूँ सैयद जमीर अली, पिछले 9 वर्षों से हमारी मोक्ष श्रद्धांजलि सेवा संस्थान जो है, जो राज्य में जितनी भी अज्ञात लावारी से निकलती है उसका हम लोग कफन दफन करते हैं। और 7 सालों से हम लोग जो है मेकाहारा मरचूरी परिसर पे, वहाँ पे हमारा एक केबिन था जहाँ पे बैठ के हम ये कार्य करते थे। और आज जो है 1.5 साल हो गया, वहाँ से ऑफिस को हटा दिया गया। वहाँ से बस इतना ही प्रार्थना है राज्य शासन से, कि राज्य सरकार से, कि वो हमारे को यहाँ मोक्ष धाम में एक बाउंड्री वाल हो जाए और संस्था को कहीं पे बैठने की जगह मिले।